बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्राइट इन्फो की जानब से मोहम्मद नुमान आसिफ आपको खुश आमदीद कहता है। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉब्स। एंटी करप्शन में ज़बरदस्त नौकरियों का ऐलान हो चुका है। आप सब अप्लाई करने में जल्दी ना करें, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दें। आप सबके साथ इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इसका पेपर पैटर्न कैसे होगा, इसकी एज क्या होगी, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये चीज़ें आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो के साथ। इसकी सीट्स आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, एंड तक वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह मालूमात मिल जाएंगी। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं होगी जिसके बारे में आप लोगों को मालूमात दरकार होंगी हमारी वीडियो देखने के बाद। उसके अलावा इसके लिए सबसे पहले आपको एक बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए जॉब्स हैं, मेल और फीमेल के। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब्स हैं जो कि महकमा एंटी करप्शन में उन्होंने भर्ती करनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही होगी, तो इस एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2020 है। पीपीएससी के जरिए ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन लिए करना है, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब। तो उसके लिए टोटल 8 सीट्स हैं जिसमें 1 पोस्ट रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन एंड 6 पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन कोटा। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब्स हैं, बीपीएस 12 है इसका। ऑन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लाइकली टू बी परमानेंट है क्योंकि पीपीएससी के जरिए जो भर्ती होते हैं उनको परमानेंट भी कर दिया जाता है। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन है आपकी इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस ICS सेकेंड वीएन फ्रॉम ए रिकग्नाइज बोर्ड, हैविंग एटलीस्ट 3 मंथ्स कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स इन MS ऑफिस फ्रॉम टेप्टा और एनी अदर रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, विद द स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो ये आपके लिए इसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसका रिक्वायर्ड हो। उसके लिए एज है जो 18 to 25 ईयर प्लस 5, जैसा कि जनरल रिलैक्सेशन होती है 5 साल की मेल के लिए। फीमेल के लिए है 18 से 25 साल और 8 साल की जनरल रिलैक्सेशन, 33 साल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज एंड सेक्स ऑफ ट्रांसजेंडर विल बी बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ देयर CNIC। ट्रांसजेंडर की जो एज और उसका जो सेक्स है जो उसका, वो उसके ऊपर बेस करेगा जो कि उसका CNIC बना होगा। नेक्स्ट है जेंडर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल ऑल पंजाब बेसिस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग 1 पोस्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, डिटेल्स एज अंडर। मैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उनमें एक एक पोस्ट आपको दी है जिधर आपको प्लेस किया जाएगा, पोस्टिंग जिधर होगी आपकी, और डोमिसाइल पूरे पंजाब वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लाहौर रीजन बी की 1 वेकेंट पोस्ट है, गुजरांवाला रीजन की 3 वेकेंट पोस्ट हैं, हैसलाबाद रीजन की 1 वेकेंट पोस्ट है, रावलपिंडी रीजन की 2 वेकेंट पोस्ट हैं, सरगोधा रीजन की 1 वेकेंट पोस्ट है। टोटल वेकेंट पोस्ट हैं 8। तो उसके लिए सिलेबस होगा, जो एग्जामिनेशन आपको टेस्ट देना होगा उसको आपने, इसमें से ICS में से 50% आएगा, MS ऑफिस में से 20% आएगा, जनरल नॉलेज उसमें 20% आएगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट हु विल क्वालिफाई देयर रिटन टेस्ट। तो क्वालिफिकेशन टेस्ट और रिटन टेस्ट को, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए उनको कॉल किया जाएगा रिटन टेस्ट पास करेंगे। उसके लिए आपको इसके अंदर पीपीएससी के अंदर होता गया, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, और इसके अंदर आपने चलान फॉर्म जमा कराना है 600 रुपीज़ ईच का। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, तो आपने ये फिल करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।